हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मंजू सक्सेना फ्रॉम हरी माया इंटरनेशनल स्कूल, पढ़ाई घर से अभियान में आज मेरा क्लास है क्लास 8 और सब्जेक्ट है मेरा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मैं इसका सेकंड चैप्टर पढ़ा रही थी। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया था, आज मैं इसी में आगे पढ़ा रही हूँ। देखिए कौन कौन से वर्ण कौन कौन से उच्चारण उसका उच्चारण स्थान होता है, उसको कौन सा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, देखिए अ आ का खा गा घा गा अड़ा घा हा और विसर्ग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, वर्ग का नाम है कंठ। ठीक है, फिर ई ई ई चा छा जा झा या और शा, ये तालु से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान इनका तालु होता है और वर्ग का नाम होता है तालव। री टा ठा डा ढा रा रा और शा, मूर्धा, ये इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और वर्ग का नाम होता है मूर्धनी। फिर आपका ला सा ता था दा धा ना, ये है दंत, उच्चारण स्थान इनका है दंत और ये इनका वर्ग का नाम है दंत, दंत वर्ग। फिर उ उ पा फा बा भा और मा, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ और इनका वर्ग का नाम है ओष्ठ, ओष्ठ है। फिर अंग अंग अड़ा आ रा ना और पा, ये नासिका से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान है नासिका और इनका वर्ग का नाम है नासिक। फिर ए और ए, ए और ए, ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं, इसमें कंठ और तालु दोनों चीजों का उपयोग ही होता है। इनका वर्ग का नाम है कंठ तालव, वर्ग का नाम है कंठ तालव। फिर ओ आओ, ओ आओ, कंठ और ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, कंठ माने होता गला, ओष्ठ माने ओठ, तो इनका उच्चारण स्थान है गला और ओठ, इनका वर्ग का नाम है कंठोष्ठ। फिर व और फा, ये दांत और ओष्ठ दोनों का उपयोग इसमें होता है, तो इनका वर्ग का नाम है दंतोष्ठ। तो आपने देखा यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं, उनका उच्चारण स्थान है कंठ और कंठ, जिनका वर्ग का नाम होता है कंठ, जिनका उच्चारण स्थान तालु है उनके वर्ग का नाम है तालव, जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है उनका वर्ग का नाम है मूर्धन। फिर उच्चारण स्थान दंत है तो यहाँ पे दंत है, फिर ओष्ठ तो यहाँ पे ओष्ठ है, फिर यहाँ पे है नासिका तो यहाँ पे वर्ग का नाम है नासिक, फिर कंठ और तालु तो यहाँ पे कंठ तालव वर्ग है, फिर कंठ और ओष्ठ तो यहाँ पे कंठोष्ठ वर्ग है, फिर दांत और ओष्ठ तो यहाँ पे दंतोष्ठ वर्ग है। तो आपने यहाँ पे देखा, कल आपने पढ़ा था कंठ कौन कौन से वर्ण कहाँ उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आज यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है कि कौन सा उच्चारण स्थान किसका है, उनका वर्ग का क्या नाम होता है, उन वर्णों के वर्ग को क्या कहते हैं, ये आज आपने यहाँ पे पढ़ा। अगले वीडियो में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी। ओके, तो आपको आज ये अपना कॉपी पर, कल मैंने आपको उच्चारण स्थान दिए थे, आज आप उसी के आगे इसको उच्चारण स्थान आपने कल पढ़े थे, आज आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा वर्ण कौन से स्थान से बोला जाता है और उसके वर्ग का क्या नाम है। ओके, गुड डे।